अस्सलाम वालेकुम जी, मैं खुशमीत बदर। हम निकले हैं घूमने फिरने के लिए। वैसे ही ज़रा आज संडे था तो घूमने का बाहर का राउंड लगा के आते हैं। इधर ये बाज़ार लगा होता है इन डीक चीज़ों का, वही देखने आए हैं आज। हाँ जी, इधर देखें ये भी मेहंदी के रंग इधर बिछाए हुए हैं, हिला के डाटी इधर से करते हैं। ये बड़े आसान आसान डिज़ाइन है, हमारे पाकिस्तानी तो बच्चे भी बना लेते हैं। हाँ ये देखें जी इनकी ज्वेलरी, बहुत ज्वेलरी है, नेकलेस वगैरह, अंगूठियाँ। यहाँ का टूरिस्ट एरिया बड़ी ही बार रौनक जगह है, जिस तरह हम फिर रहे हैं आज बड़े दिनों के बाद। माशाल्लाह इतनी रौनक है इधर, लॉकडाउन के बाद अभी टूरिस्ट आना शुरू हो गए हैं यहाँ पे, काफ़ी रौनक लगी हुई है। वो देखिए सामने सबसे ऊंची पहाड़ी है, इस तरफ दिखाएँ तो वो जो सामने नज़र आ रही है ये यहाँ की सबसे ऊंची पहाड़ी है शहर। ये देखिए माशाल्लाह से इतना प्यारा व्यू है, यहाँ का इतनी खूबसूरत जगह है। और अगर आप यही जगह आराम से बैठे तो आपको इतना सुकून मिलता है ना, ये इर्द गिर्द हर जगह पार्क बने हुए हैं बैठने के लिए। ये हमारे इस साइड की पहाड़ी है, अक्सर हम लोग इसके ऊपर चढ़ते जाते हैं। ये पहाड़ी है, बड़ी ही खुश सुकून जगह है। जब आप रिलैक्स करना चाहें, गर्मी हो, इधर आके बैठते हैं तो आराम से ऊपर चढ़ के बैठने बड़ा सुकून मिलता है। इधर खामोशी भी होती है और सुकून भी होता है। और इस इलाके का नाम थीसियोन है जी। जी मैंने गलत बताया, वो ये थीसियोन नहीं है, ये अक्रापोली है। अक्रापोली इतना बड़ा पहाड़े हैं, पहाड़ और वो दूसरे जो ऊपर वाले हैं इनके पार्लियामेंट पुरानी कबल मसी की, वो भी किस दिन हम दिखाएंगे। ये जनाब किसी ज़माने में अगर आपने पुतली का तमाशा देखा तो ये वही है। ऐसे चलते चलते हमें पता भी नहीं चला कि हम कितनी दूर आ गए ऊपर पैदल चलते चलते। और ये देखिए कितनी खूबसूरती है इधर। सबसे बड़ी बात ये है कि इन लोगों ने यहाँ पे दरख्त बहुत ज़्यादा लगाए हुए हैं, पौधे बहुत ज़्यादा लगाते हैं अपने घरों में, बालकोनियों में और पार्कों में। पुराने ज़माने के ये पता नहीं कब कब के और कितने कितने पुराने दरख्त लगे हुए हैं इधर। इस तरह वाले भी ये ऐसी है जैसे हमारे वो चीड़ का दरख्त होता है, लेकिन ये है कोई और ही।
लेकिन देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, फूलों से भरा हुआ है। व्यूअर्स ये देखें, ये एथन का सबसे मशहूर तीन टूरिस्ट एरिया है। जितने भी टूरिस्ट आते हैं ना, वो यहाँ पे ज़रूर आते हैं घूमने के लिए। और यहाँ पे देखिए पैदल चल के लोग इतनी दूर तक पहुँच जाते हैं, हम खुद इतनी दूर चल के आ गए, पता भी नहीं चला ना। अभी भी आगे तक मैंने ऐसे बस घूमते फिरते रहना ही चाहिए। और सब इतनी रिलैक्स है, इतनी इंजॉय कर रहे हैं, शायद लॉकडाउन के बाद ये लोग भी रिलैक्स करने के लिए निकले हैं। अब ये एथन का ओपन एयर थिएटर है, ये ज़माना कबलज मसीह का है और दुनिया में सबसे ज़्यादा थिएटर एथन में ही है। जो पहले मेरे ख्याल में आबाद थे, अब तो इतने नहीं है आबाद। हमें भी इतफाक़ हुआ था, इधर एक प्रोग्राम था, पाकिस्तानी कवाल इधर कोई आए हुए थे तो उनकी कवाली सुनने के लिए हम लोग आए थे इधर थिएटर में। अब हम पहाड़ी के ऊपर आ गए हैं जनाब, और नीचे की तरफ अब उतरेंगे। फिर ये मिड में हम खड़े हैं, एक तरफ से चढ़े हैं, दूसरी तरफ से उतरेंगे। और ये देखिए ये अकरापोली का मंजर है जी। ये देखिए ना, आप देख ही रहे होंगे लोग कितने जोकदार जोक बाहर निकले हुए हैं। और ये थिएटर का इतना ज़बरदस्त साउंड सिस्टम होता है कि बग़ैर किसी स्पीकर के ही सब कुछ, सबको आवाज़ पहुंच रही होती थी। इन लोगों ने इस तरह का बनाया हुआ था। तो एक दफ़ा हम लोग जाके, बच्चे भी साथ आए थे, हम लोग देखते थे और बच्चे महसूस हो रहे थे देख रहे कि ना तो मामा कैसे सबको आवाज़ आती थी बग़ैर साउंड सिस्टम के। पीछे आपको ये सीढ़ियाँ नज़र आ रही होंगी, तो ये थिएटर के लिए ही उन्होंने बैठने की जगह बनाई हुई है। अब ये इन्होंने कुछ अर्सा पहले ये दीवार खड़ी की है, शायद पत्थर टूट के गिरते हैं इस वजह से, किसी को लगे नहीं। पहले नहीं थी, जब हम लोग पहले आए तब ये दीवार नहीं थी, अब इन्होंने ये दीवार बनाई हुई है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, शायद इसी वजह से इन्होंने ये दीवार बनाई है, क्योंकि किसी को पत्थर वगैरह ना लगे, क्योंकि ऊपर वाले जो पत्थर हैं वो ऐसे ही है कि टूट के गिरने का भी डर होता है ना। ये देखें जी, ये मेन एंट्रेंस जो थी थिएटर की वो सामने नज़र आ रही है। अब हम लोग दूसरी साइड से नीचे उतरेंगे, क्योंकि हमने काफ़ी पैदल फिर लिया, अब दिल है कि यहाँ से ट्रेन में बैठ के जाएंगे। अब